नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोन इंश्योरेंस। तो यस दोस्तों, एक तो आपने पैसा लिया लेकिन उस पर भी इंश्योरेंस ले लिया, तो ये कैसे काम करता है मैं फंक्शनैलिटी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि हम एग्जांपल जो लेंगे, घर पे भी ले सकते हैं और कार पे भी ले सकते हैं। कार पे इसलिए लेंगे दोस्तों, होम लोन बहुत कम लोग लेते हैं लेकिन कार लोन मैक्सिमम लोग लेते हैं। तो आप होम लोन पे भी रिलेट कर सकते हैं, कार लोन पे भी रिलेट कर सकते हैं, और आप नया लोन लेना चाह रहे हो तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अब दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोन तो ले लिया, कभी आप अनपेबल रहे या कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है, कभी एक्सीडेंटल या कोई ऐसी अनसिचुएशनेबल डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में उस लोन को कैसे कंटिन्यू रखा जाए। या घर का लोन है या कार का लोन है, हम छोटे लोन के ऊपर बात करेंगे, बड़े लोन के ऊपर भी ये एप्लीकेबल रहेगा। जैसे कि किसी ऑनर ने कार खरीदी और वो जो इसका मतलब लोन लिया था, उन्हें 7 साल का लोन लिया था, कार थी 14-15 लाख रुपए की, 14-15 लाख रुपए की कार थी, जिसमें से 2-3 साल उन्होंने पे कर दिया, तो उसके बाद अनसिचुएशन कंडीशन में मतलब सडनली डेथ हो गई, तो घर वाले अब पे करेंगे क्योंकि बैंक तो अपना पैसा नहीं छोड़ता। तो गाइस, ये स्कीम भारत सरकार के द्वारा और रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई के द्वारा लागू की गई थी 2000 मतलब 18 या 19 में, कि आप लोन के ऊपर भी इंश्योरेंस रख सकते हैं। तो गाइस, अब आप कभी भी मतलब मैं अपना पर्सनली सजेशन दे रहा हूँ आपको कि आप कभी भी होम लोन ले, घर लोन ले, तो वहां पे अब जो है एक मैंडेटरी ऑप्शन है कि आप लोन के ऊपर इंश्योरेंस लेना एक लाजमी ऑप्शन बनता है, कि अनसिचुएशन कंडीशन में डेथ हो जाती है तो अब परिवार के ऊपर उस चीज का लोड नहीं पड़ेगा। जैसे कि उस ओनर ने कार खरीदी 14-15 लाख रुपए की और 2-3 साल में वो डेथ हो गई उसकी, तो अब उसके परिवार को लोन देना पड़ेगा या वो खुद देगा, तो वहां पे इंश्योरेंस काम आ जाता है। इंश्योरेंस दो कंडीशन में काम आता है दोस्तों। सबसे पहली बात, आपने जो इंश्योरेंस करवाया था वो फुल अमाउंट का करवाया था, मतलब 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया था, समझिएगा चीजों को, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो आपने 15 लाख रुपए का पूरा इंश्योरेंस करवाया, उस ऑनर ने जिसने कार खरीदी उन्होंने 15 लाख रुपए का पूरा इंश्योरेंस करवाया। अब उसने किस्त जो थी वो 4 लाख या 5 लाख रुपए दे दी थी, लेकिन 10 लाख रुपए रह गए थे, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, पहले 10 लाख रुपए जो है वो बैंक से, जिस बैंक से आपने लोन लिया था कार का, वो 10 लाख रुपए उन्हें दे देगी। बचे 5 लाख रुपए, जो 5 लाख रुपए वो कार वाले को मतलब कार जिन जिसकी जिसकी डेथ हुई थी उसकी फैमिली को वो 5 लाख रुपए रिटर्न मिल जाते हैं। ये होता है पॉलिसी का रूल। ऐसे मतलब अब पॉलिसी वाले क्या करते हैं, उन्होंने नया गेम चालू कर दिया। वो उस टाइम तो इतना मतलब पेपर वेपर में साइन जो करवाते हैं तो बहुत ज्यादा क्लियरिटी से और पूरा क्लियर कर दीजिएगा, तब आप इंश्योरेंस ले रहे हैं लोन के ऊपर, क्योंकि आप पैसे तो उसकी भी पे कर रहे हैं एक बारी में, बल्कि अमाउंट में भी मतलब उसकी जब आप लोन की किस्त दे रहे होते हैं तो उसमें छोटा सा अमाउंट 2-3% जो होता है वो इंश्योरेंस का भी होता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा क्लियरिटी से, क्योंकि ऐसी कंडीशन नहीं दे रहा तो आप उससे इंश्योरेंस नहीं, किसी और कंपनी से भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जरूरी नहीं है उसी बैंक से इंश्योरेंस करवाए। तो वहां पे क्लियरिटी क्लियर की गई है कि जो पैसा है वो पूरी तरीके से, क्योंकि आप खुद सोचिए, पैसा तो मतलब आपने फर्स्ट किस्त से लेकर लास्ट किस्त तक आप इंश्योरेंस और जो लोन है उसकी तो किस्त भर ही रहे, तो इंश्योरेंस जो होता है वो फुल अमाउंट पे होता है, ना कि उस अमाउंट पे कि जितनी किस्त बची है उस अमाउंट पे, क्योंकि आपने पैसा तो पूरा ही दे रहे हैं ना तब तक, तो आप पूरे हकदार हैं। जो अमाउंट रह जाता है वो तो कंपनी को वापस हो जाता है, मतलब जिस बैंक से लिया आपने उसे, और जो अमाउंट हमारा बच गया है मतलब जो हमने पे कर दिया था अब तो अमाउंट बच गया, तो वो हमें रिटर्नेबल होता है। तो गाइस, इंश्योर मतलब लोन लेते हुए इंश्योरेंस का बहुत मतलब कड़े तरीके से ध्यान रखना है इस चीज का, कि कभी भी ऐसी गलती ना हो जाए कि जो हमने पैसा लिया है मतलब जो लोन लिया है हमने वो तो हम दे दें और जो हमने पैसा दे दिया था हमें वो रिटर्न ना मिल पाए, क्योंकि आपने एक तरीके से नई कार खरीदी उस पर इंश्योरेंस ले लिया और वो कार चोर गई, एक तरीके से ये समझिए, तो कंपनी जो है कार का पैसा आपको रिफंड करेगी इंश्योरेंस कंपनी, तो वही कंडीशन होती है। मगर यह है कि अब आरबीआई और भारत सरकार के द्वारा ये जो नीति है बहुत ज्यादा अच्छी है, अब उन लोगों पर बर्डन अचानक से नहीं पड़ता। जैसे कि मेरी सैलरी थी अच्छी खासी तो मैं अफोर्ड कर सकता था कि मैं कोई अच्छी सी कार ले सकता हूँ, सडनली मेरी डेथ हो जाती है कोई ऐसी वजह से और नहीं रह पाता हूं मैं, तो वहां पे मेरी मतलब फैमिली के ऊपर किसी तरीके का बर्डन नहीं पड़ेगा, ऊपर से जो पैसा मैंने दे रखा था वो मेरी फैमिली को वापस मिल जाएगा और जो रह गया था वो बैंक वालों को दे देगी इंश्योरेंस कंपनी। तो गाइस, कोई भी चीज लेने से पहले पूरी तरीके से जरूर पढ़ें, और बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो हम रेगुलर लेके आते रहते हैं अपने चैनल पे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।